ये बताएं कि आप लोग, ये बताइए कि आप लोग राजनीति में इतने सक्रिय रहते हैं, दिन भर सक्रिय रहते हैं फील्ड में, ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति क्या करते हैं आप फिजिकली मेंटेन रखने के लिए? देखिए, जब तक जीवन में सकुशल चलने फिरने के लिए, स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए योग की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हमने तय कर लिया है कि रोज़ सुबह आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक, फिर समाचार पत्रों को पढ़ना और फिर आधे घंटे योगा करके अपनी रोज़ की दिनचर्या को हम करते हैं। और परिणाम ये होता है कि 6:45 बजे से लेके रात 11:30, 11:45 बजे तक का जो दिन भर का कार्यक्रम है, जो लगातार हर तरह के सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, या जहाँ भी कार्यक्रम में जाना है, तो उसमें पूरी मन में स्फूर्ति रहता है और स्वस्थ मन से काम करने का आनंद आता है। दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, अगर बात करें योग और प्राणायाम, क्या क्या करते हैं उसमें योग? देखिए, दिन की शुरुआत में मैं 5:45 बजे का अलार्म लगाया हूँ, उठता हूँ, फ्रेश होकर मंजन करके पहला अपने ही आवास में, जो हमारी गली है, प्राइवेट गली, उस गली में मैं आधे घंटे रोज़ टहलता हूँ, 15 राउंड लगाता हूँ गली का। और उसके बाद मैं घर के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे मेरी माताजी चाय देती हैं, चाय पीता हूँ और अखबार आता है, अखबार पढ़ता हूँ। आधे घंटे 35 मिनट उसमें भी लग जाता है। उसके बाद 7:30 बजे से और 8 बजे तक मैं आधे घंटा योगा करता हूँ। उसमें प्राणायाम है या जो भी जो अनुलोम विलोम है, सब कुछ करता हूँ, और शरीर के लिए, पेट के लिए, और इसके अलावा पैर के लिए पूरा व्यायाम करके अपने मन को एकाचित करता हूँ, हल्का करता हूँ। और फिर 8 बजे से जनता से मिलने का काम शुरू हो जाता है। और फिर फायदा करता है योग आपके? निश्चित रूप से, हम तो एक तो डायबिटिक के पेशेंट भी हैं, तो उसका भी लाभ मिलता है, खान पान में भी हम लोग को कठिनाई नहीं होती है, और इसलिए योग करना नितांत आवश्यक है और दिनचर्या के लिए। और उसी का परिणाम है कि डायबिटिक होने के बाद भी लगातार, मुझे लगता है कि लगभग 18 घंटे वर्क करता हूँ, और माँ विंध्यवासिनी की कृपा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत ठीक है।